14 नंबर टायर है, इसमें क्या ट्यूब डलना है टायर में, तो अपन शिकंजा से देखते हैं शिकंजा से कैसा टायर खुलता है। ये अपना टायर रिमूवल शिकंजा जो मैंने बनवाया था, इससे टायर खुलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये बड़ी आसानी से खुल गया टायर। ये दोस्तों पहला टायर है जो इतनी प्रेम से खुल गया है। इस पर थोड़ा सा अपन लिक्विड डाल देंगे ना तो सही से जल्दी खुल जाएगा टायर। तो देखिए दोस्तों, ये टाइलीवर है मेरे, इन टाइलीवर से क्या होता है सही से टायर खुल जाता है। इनकी कटिंग आप लोगों ने देख ली है, मैंने टाइलीवर का वीडियो फुल बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये टायर तो क्या, इसकी पहले नल की काटना पड़ेगी अपन को, उसमें ट्यूब डालना है टायर में। तो ये चली रहती है सभी पंचर वालों भाई उत्पाद, तो ये नल की को क्या करेंगे अपन हटा देंगे। ये नल की निकल गई, ये देखिएगा इसको अलग किया अपन ने। आप कभी भी टायर फिट करने से पहले इसको अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है, इसमें कुछ कील वगैरह लगी रहती है, नहीं तो अपना ट्यूब पंचर हो जाएगा। अच्छी बारीकी से चेक करना दोस्तों, टायर को कभी भी चेक करें। तो ये सही है, इसमें कुछ नहीं है, एक बत्ती का निशान है ये। इस पर अपन क्या करेंगे, ट्यूब का टुकड़ा रख देंगे एक अलग से। बस हल्का सा अपन उसको भी सिलसिल मार देंगे। तो दोस्तों देखो, ये टाइली वर अपन ना इसको ऐसे फंसाना है, ये इस टाइप से, और इधर से उठाना टायर को और इसको ऐसे दबाना है। ये टाइली वर दोनों लग जाते हैं और इसको ऐसे करके डाल देंगे दोस्तों, और इस टायर को ऐसे उठाना है और इधर से फिट करना है। दोस्तों देखो, ये टाइली वायर अपना इधर से ये मुड़ा हुआ है एस में, आप देखिएगा इसको फिटिंग करने सबसे मैं इसी से करता हूँ। एक पैर को ऐसे दबाना इधर से और इस टाइली वायर को इधर चलाना, बदम काट लें। तो देखो दोस्तों, ये फिट हो गया टायर, इसमें क्या है ज्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे हुए हैं, उतने में टायर फिट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।